আজ আমি বাজার থেকে সরষে শাক এনেছি, দেখুন। অনেকগুলি এনেছি, কো চলুন দেখি কিভাবে রান্না করি। কুড়ি টাকার শাক, দেখো অনেকগুলি পেয়েছি। लीफ को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करना पड़ेगा पहले ढेर सारा साग। अभी कितना बचता है रोस्ट होने के बाद देखना होगा। फ्रेंड्स अभी देख सकते हो हमारा साग रोस्ट होके कितना कम हो चुका है। एक कढ़ाई था, अभी 1/3 हो गया है। टर्मरिक डाल देंगे, टर्मरिक पाउडर। कच्चा मिर्ची डाल देंगे इसमें। अभी डाल देंगे सॉल्ट। अभी फ्रेंड्स इसमें गार्लिक थोड़ा सा पेस्ट कर लेंगे। तो गार्लिक को पेस्ट करके रखा है, हल्का सा पेस्ट करना पड़ता है। सरसों का ऑयल, चिली, रेड चिली, गार्लिक का स्पाइस का इतना अच्छा खुशबू देता है फ्रेंड्स, क्या ही बता बोल रहा है मुझे। तो फ्रेंड्स अभी हम टेस्ट करके बताते हैं मस्टर्ड लीफ का साग कैसा बना है, वो टेस्ट करके पहले बताते हैं। कितना ट्रैफिक है हमारे यहाँ पे, खतरनाक वाला ट्रैफिक। गार्लिक मम्मी को बोला था मैंने ज़्यादा करके देने के लिए, मुझे अच्छा लगता है गार्लिक। थोड़ा सा नमक हो गया है ज़्यादा, उतना भी ज़्यादा नहीं। राइस के साथ मिक्स करूँगा तो ठीक हो जाएगा। इंग्लिश में बोल सकता हूँ सिम फ्राई। सिम को क्या बोलते हैं मुझे पता भी नहीं, गूगल सर्च भी नहीं किया मैंने देखने के लिए।
आलू दम। न्यू पोटैटो से आलू दम बनाने पे बहुत ज़्यादा टेस्ट, और आलू दम बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आलू दम ज़्यादा ही कुछ स्पाइसी बन गया है, इसलिए पानी का ग्लास पूरा ख़त्म कर लिया मैंने। यहाँ पे बॉटल कॉट फ्राई था, दाल से फ्राई बनाया था। फ्रेंड्स, मम्मी ने बोला था साग को हाफ खा के ख़त्म करने के लिए, मम्मी के लिए थोड़ा सा ही रखने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं मुझे तो बहुत कुछ बहुत सब्ज़ी से खाना था, तो पूरा नहीं और ज़्यादा नहीं खा पाया। खाता तो दूसरे देश से नहीं खा पाता मैं, फिर भी तो एक बच गया है, फिर भी एक बॉटल कॉट फ्राई तो बच गया है।
मेरा पेट पूरा फटे जा रहा है, इतना खा लिया मैंने। कल मैंने 1 बजे को खाया था, दोपहर 1 बजे के बाद। अभी बज रहा है 1, अभी 1 बज रहा है, अभी जाके खाना खा रहा हूँ। मैं तो वैसे दिन में 2 बार खा लेता हूँ, 2-3 बार खा लेता हूँ, राइस ही खाता हूँ, टिफिन नहीं करता मैं। बाकी टाइम फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ मैं। अभी डाइट की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। मम्मी डाइट बहुत करती है, डाइट मम्मी का डाइट हमेशा मेंटेन रहती है। दिन में सिर्फ 1 बार खाती है और बाकी टाइम फ्रूट्स खाती है। मम्मी का डाइट ठीक है, इसलिए मम्मी बहुत स्लिम है, मम्मी एक ही टाइम खाती है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।